आज हम स्लाइस टेक्स्ट के बारे में जानेंगे इन फोटोशॉप। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड मैंने जो चूज किया है, मान लो मैंने ये ही वाला चूज किया है, तो अल्ट प्लस डिलीट से अल्ट प्लस लेयर पे क्लिक करें। अल्ट प्लस डिलीट की हेल्प से हमने बैकग्राउंड चेंज किया और टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा, और टेक्स्ट लिखा SLICED स्लाइस्ड, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाइट कलर में। और इसके साइज को हम कर देते हैं इंक्रीज। ओके, अब हमें यहाँ पे स्लाइस्ड इफेक्ट यहाँ पे लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करते हैं, पॉलीगोनल लेसो टूल पे जाते हैं, और पॉलीगोनल लेसो टूल की हेल्प से हम एक लेसो टूल इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। ओके, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लेयर मास्क करना है स्लाइस लेयर को सिलेक्ट करके। लेयर मास्क करने के बाद आप कंट्रोल जे की हेल्प से एक और इसकी कॉपी कर दें, और इसकी कॉपी को हमें करना है यहाँ पे कंट्रोल प्लस आई, यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो इनवर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे दो पीस आ चुके हैं, ये आपका स्लाइस कट चुका है, तो आप मूव टूल की हेल्प से आप इसे मूव करें हल्का सा नीचे की तरफ। ओके, ऐसे आप इसे मूव कर सकते हैं, और मूव कर राइट साइड में आपने मूव किया, और मूव करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर ले और इस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल की हेल्प से आप यहाँ पे क्लिक करें ताकि आपके ये सिलेक्शन आ जाए। अब न्यू लेयर पे क्लिक करें, अब आप यहाँ से ब्रश टूल लें, और ब्रश टूल लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें, तो आपके ब्रश टूल की हेल्प से एक सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करें और आप अपने सिलेक्शन को हल्का सा ऊपर कर सकते हैं एक इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट के लिए। तो इस तरीके से आप स्लाइस्ड इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं इन फोटोशॉप। थैंक यू सो मच।